इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि हम WhatsApp यूज़ करते हैं और कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है कि हम जो वीडियो से WhatsApp से ही प्ले करते हैं तो प्ले नहीं हो पाती है, जबकि हम उसे फाइल से चलाते हैं तो वो चल जाती है, गैलरी से भी चलाते हैं तो भी चल जाती है। तो हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए जिससे कि हम यहाँ पर अपनी वीडियो WhatsApp में चला सकें। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पर हम किसी वीडियो को डाउनलोड करते हैं WhatsApp में तो वो जो है ज़्यादातर यहीं पर एक फ़ोल्डर बना लेती है गैलरी वगैरह में, ठीक है। यहाँ या तो आपका WhatsApp का जो फ़ोल्डर होगा वो यहीं कहीं पर होगा, ठीक है, या फिर आपका एंड्रॉइड में जाकर यहाँ पर मीडिया में जाकर WhatsApp होगा। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर मीडिया होती है, जैसे कि ये मीडिया है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से हम वीडियो को निकाल लेते हैं किसी वजह से और कहीं पर उसे किसी और जगह पर पेस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद WhatsApp को ऐसा लगता है कि उसके सर्वर से वीडियो हट चुकी, क्योंकि जो अगर कोई वीडियो होगी तो यहाँ पर सेव होगी तो उससे WhatsApp से कनेक्टेड होगी, लेकिन यहाँ से वीडियो हट जाएगी तो WhatsApp से कनेक्टेड नहीं होगी। इसी तरीके से गैलरी का भी हिसाब है, अगर गैलरी में से हम हटा देंगे और दूसरे फोल्डर में डाल देंगे तो वो जो उसकी फ़ाइल होगी एक्चुअल फ़ाइल, उसे लगेगा कि डिलीट हो गई है। तो आप जब भी WhatsApp में की कोई वीडियो को चलाएं तो वो ध्यान रखें जो डाउनलोडेड वीडियो है वो आपके जो है उसी फाइल के अंदर होनी चाहिए, और नहीं है तो डाल लीजिए, फिर वो वीडियो चल जाएगी। इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना सही है, मे बी आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।